कोरोना के कहर के मद्देनज़र संभल के शाही जामा मस्जिद के शहर इमाम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद की नमाज़ घर में पढ़ने की अपील की है। शहर इमाम आफ्ताब हुसैन वारसी ने कोरोना की गाइडलाइन के तहत ईद की नमाज़ को घर में पढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद और ईदगाह में सिर्फ 5 लोग नमाज पढ़ेंगे। कोरोना के कहर से जूझ रहे संभल के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने में शहर इमाम की अपील मददगार साबित होगी। मैं आफ्ताब हुसैन शहर इमाम शाही जामा संभल आप लोगों से ईद उल फित्र के मौके पर अपील करता हूं कि जैसा कि सभी को मालूम है कोरोना बीमारी COVID-19 चल रही है और इसी हिफाजत के एतबार में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि ईदगाह और मस्जिदों में 5 लोगों से ज़्यादा इबादत न करें और ईदगाह पर भीड़ मस्जिदों में न लगाएं। हम सबको इस बीमारी से हिफाजत के लिए यही बेहतर तरीक़ा होगा और अल्लाह से दुआ करें अमन व अमान कायम रखें और शासन और प्रशासन की जैसा कि गाइडलाइंस है उस पर हमारा अमल करना भी अहम ज़रूरी है।